पूरी भाई खाना पानी जो भी था। गाइस गुड मॉर्निंग भाई, सबको उठ चुके हैं सुबह सुबह, अभी पीते हैं दूध और सैंडविच, घूम के आया जोरे को मेरे भाई ने गवा दिया था, सब ला लिए पी के। और आज देखते हैं, मेरे दोस्त ने कल बोला था आईफोन लेके आना, उसको कॉल करे पूछता हूँ आईफोन लेने जाएगा या नहीं, अगर लेने गया तो आप लोग को वही दिखाएंगे ब्लॉग। भाई चंडीगढ़ जाएंगे आज तीनों दोस्त, बिक्की मैं और जस्सा। भाई उठ चुके हैं भाई, अभी बाहर आए थे, बाहर मौसम माहौल का माहौल ऐसा कुछ, पंखा चला हुआ है, पोछे पोछे लग रहे हैं और बाहर बादल बड़े भाई हुए बड़े हैं बाय द वे, देख रहे हो। तो चलो भाई सुबह ही अभी उठाऊँ, 10 सुबह के बाद लाइक थोड़ा सा उठा था, उसके बाद फिर वहाँ पे चला गया और घर पे कोई भी नहीं है क्योंकि आज है गुरुद्वारा साहब गए हमारे सारी फैमिली मत्था टेकने और मैं अकेला नहीं गया क्योंकि मेरा मन नहीं था। और सुबह से सोच रहा हूँ क्या करूँ क्या करूँ, कोई काम है नहीं, दोस्त का भी फ़ोन नहीं आया, बोल रहा था फ़ोन लेने जाना है, मैंने सोचा वहाँ पर अच्छा टाइम पास हो जाएगा। तो फिलहाल अभी तो एक ही चारा मेरे पास बचा था, फिर उठाया प्रोटीन पीते हैं और निकलते हैं खेतों की तरफ, वहाँ पे जाके करेंगे वर्कआउट। छोटू पांडे यहाँ पे हुआ तो उसको ले जाएंगे, वरना अकेला जा रहा हूँ भाई मैं, तो चलो वहाँ पे करते हैं वर्कआउट आज देसी खेतों में। आपको दिखाता हूँ व्यू भी भाई, मौसम बहुत अच्छा है बाहर, ठंड है लाइक, फिर भी ये पहन के गए हैं, अच्छा पसीना निकल जाएगा भाई, फिर भी ठंड में भी निकाल देंगे। तो चलो फिलहाल निकलते हैं, इसमें पानी भर के ले जाएंगे, पहले क्रेटीन पीते हैं भाई। चलो फिर लो भाई निकल चुके हैं खेतों पर, ये ले लिया इसमें क्रेटीन, ये पीते जा रहे हैं के गुट। और ये है मेरा गांव भाई, गांव से जाना पड़ेगा, मैं भी अभी आगे जाना पड़ेगा मेरे को कम से कम 1.5 किलोमीटर, यहाँ सीधा फिर हमारे खेत आ जाएंगे। वहाँ पे ना टायर पड़ाएगा हमारे वहाँ पे जेसीबी का, उस टायर के साथ वर्कआउट करेंगे, रस्सा भी ऊपर चढ़ने वाला भाई, और बाकी वगैरह जैसे हवा चल रही है बाहर तो वहाँ पे एक रूम है हमारा काफ़ी पुराना, वहाँ पे करेंगे। सो फिलहाल यहाँ पे रास्ता देखो कैसे कैसे रास्ते हैं, सो यहीं से निकल के जाना पड़ेगा। चलो वहाँ पहुँचते हैं, आपको रास्ता दिखाता हूँ आगे आगे जाके भाई, और वो गहरा हो जाएगा भाई। जब हम ना बच्चे थे लाइफ लाइक ना यहाँ पे, मैं मेरे को लगता नहीं है जब से बचपन गया है उसके बाद एक बार आया हूँ जस्ट, और 8-10 साल बाद इस रास्ते को आ रहा हूँ भाई। और यहाँ पे ना हम आम का पेड़ है, बाग है पूरा, यहाँ पे तोड़ने आते थे भाई आम, जैसे हवा चल रही है आज के दिन पक्के आम गिरते थे ऊपर से भाई। ये देखो यहाँ हो गया, ये आगे वाला इससे भी ज़्यादा गहना है भाई, ये वाला यहाँ के दिखाता हूँ आपको पास से, रुको ये वाला देखो भाई, ये वाला बहुत घना है उससे भी ज़्यादा भाई। अभी तो काफ़ी हो गया क्योंकि यहाँ पे आता नहीं है कोई, अब वाले बच्चे कहाँ ही आते भाई, जब हम थे लाइक हम 4-6 साल पहले 7 साल पहले भाई हम आते थे यहाँ पे, बट आज कल नहीं कोई भी आता क्योंकि फ़ोन से भाई फुर्सत नहीं किसी को। ये देखो यहाँ पे काफ़ी पेड़ है आम के ही है सारे मोस्टली, तो यहाँ पे काफ़ी बच्चे आते थे। शिकारी है भाई, शिकारी डॉग देख रहे हो, इसने बच्चे दिए हैं अभी अभी मेरे को लगता है भाई, मेरे पे ना जाए। चलो भाई सामने जाना हमने यहाँ पे, और ये देखो गांव से कितनी दूर आ गया है, वो रहेगी मेरे गेहूँ की टंकी। सो भाई वैसे ना आज मंडे है, आज मैं वर्कआउट से रेस्ट कर सकता था क्योंकि मंडे को जिम बंद होती है, पहले मैं रेस्ट करता था बट अब मेरे को मे भी 2 मंडे हो चुकी हैं, मैंने एक रेस्ट नहीं की भाई, एक भी रेस्ट नहीं की। यहाँ पे कनक की खेती हुई है भाई, गेहूँ बोलते जिसको, हालांकि मैंने एक रेस्ट नहीं की और अभी 40 दिन तक तो करूँगा नहीं भाई, एक रेस्ट बिना रेस्ट से लगाऊंगा। एक दिन जिस दिन मैं शादी में गया था उस दिन भी आके वर्कआउट किया भाई मैंने, बिना रेस्ट के वर्कआउट करूँगा क्योंकि 40 दिन में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है बॉडी, आपको मैंने सिर्फ फर्स्ट डे दिखाई थी उसके बाद नहीं दिखाई भाई, अब 40वें दिन ही दिखाऊँगा जाके। यहाँ पर रास्ते बड़े ऊपर नीचे हैं भाई, ये देखो यहाँ से फिर नीचे है, यहाँ से उतरना पड़ेगा। चलो पहुँच गए फाइनली भाई, वो सामने जाना है। सो भाई फाइनली पहुँच चुके हैं खेत में, ये हमारे यहाँ पे मंजा पड़ा है और उस तरफ बेड पड़ा है जो एक दिन मैं छोड़ के गया था भाई दिवाली से एक दिन पहले, और ये रहा भाई रस्सा वर्कआउट के लिए। और अभी यहाँ पे बैठते हैं, कोई गन्ना खा के गया है यहाँ पे फिलहाल ये वाला, और अपना क्रिएटिन मुकाते हैं भाई जितना भी है। टायर भी वो पड़ा है, आपको दिख रहा है, हाँ जी वो पड़ा है टायर,
और सबसे पहले भाई वर्कआउट लाइक वार्म अप होंगे इस रूम में जाके, क्योंकि हवा जाती है, अच्छे से हो जाएंगे, पसीना निकल जाऊंगा। इसको नहीं उतारेंगे, फिर आके टायर करेंगे भाई यहाँ पे। सो भाई अपना क्रेटेन हो चुका ख़त्म, ये रहा अपना रूम सामने दिख रहा है। सो इसमें भाई शाम भी ना हो देखना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से कोई नहीं ना आया यहाँ पे। लाइक दादा आते थे मेरे, अभी दूसरे भी आते हैं, कल मेरा भाई यहीं पे था सारा दिन। ये देखो छिपकली, तो इसको रखते हैं शेकर को भाई यहाँ पे, और चलो वार्म अप करते हैं स्टार्ट। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be. चलो भाई वार्म अप अपना कंप्लीट हो चुका है, सो अभी चलते हैं सीधा बाहर। लो भाई वार्म अप करके आ चुके हैं, सो अभी सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, पुशअप्स लगाते हैं, और फ़ोन का स्टैंड भी बनाना पड़ेगा, इस बेड पे रख दूँगा फिलहाल में। पुशअप्स लगाते हैं, स्पाटे लगाते हैं, और स्क्वैट्स लगाते हैं भाई। उसके बाद वो टायर करेंगे सामने पड़ा जो टायर करेंगे, उसके बाद एंड फिर रस्सा करेंगे। Now, I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone. और कसम से भाई इतना अच्छा मौसम है ना बाहर, लाइक हवा देखो चारों तरफ, पीछे पेड़ यहाँ पे तो दिख नहीं रहा होगा, हवा आपको आवाज़ आ रही होगी, हवा बहुत अच्छी चल रही है इस मौसम में। वर्कआउट में अगर पसीना आए तो बहुत अच्छी वर्कआउट होती है। Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way to even when I'm feeling down. I fight even when I don't know what. So bhai body acche se warm up ho chuki hai, seena bhi start ho chuka hai na. Abhi tire leke aate hain, tire ke sath karte hain workout. Chalo वेट भाई इसमें इजीली होगा, इसमें इजीली वेट 70 से ज़्यादा होगा, 70-80 से ज़्यादा इजीली, क्योंकि ये टायर ट्रैक्टर का नहीं, ये है जेसीबी का टायर भाई। yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone.
एक ही सेट हुआ है और पसीना चेक करो, हवा चेक करो, पहले इतनी हवा में पसीना निकाल दिया। अभी एक सेट हुआ है, स्टार्ट हुआ अभी, तो चलो अभी और करते हैं। पूरी भाई खाना पानी जो भी था वहाँ निकल जाएगा, दो सेट कंप्लीट, इसके बाद तीसरा स्टार्ट। ऐसे मौसम में लोगों का पहले हवा चेक कर लो और मौसम देख लो, चारों तरफ लोगों का घरों से बाहर निकल का मन नहीं करता, और मैं यहाँ पे वर्कआउट करता हूँ क्योंकि मेरे को ऊपर वाले पे भरोसा है भाई, वो किसी की मेहनत नहीं रखेगा। सो चलो इसके तीन सेट कंप्लीट, अब इसको ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद स्क्वाट्स लगाएंगे। स्ट्रेंथ में काफ़ी फ़र्क है भाई, पहले से काफ़ी इंक्रीज हुई है स्ट्रेंथ, क्योंकि आज से तीन चार साल पहले उठता नहीं था, हर रोज़ वर्कआउट ग्राउंड में खड़ा है यहाँ पे, जब रेसलिंग करता था तब नहीं उठता था, बट आज उठा लिया 3 साल बाद, आज हाथ लगाया इसको, सब रेगुलर मंडे को इसी के साथ वर्कआउट होगा, मंडे को भी और एक दिन और रखेंगे क्योंकि हर रोज़ जिम नहीं हो सकती भाई, हो सकती है लाइक अच्छा नहीं है, एक दिन दो दिन फिजिकली एक्टिविटी होनी चाहिए, बंदा फुली स्ट्रेच रहता है भाई, जिधर मर्जी को मोड़ लो स्ट्रेच इन द सेंस की फ्लेक्सिबिलिटी पूरी रहती है। चलो इसके लगाते हैं एक दो सेट और, उसके बाद रस्सा करेंगे। ओ भाई वर्कआउट ख़त्म टायर वाला, फिलहाल अब इसकी बारी, ये लाइक को ट्राई किया था बिना वार्म अप के, थोड़ा सा आधे तक चढ़ा था, अब देखेंगे आज कोशिश करके कहाँ तक जाते हैं। तो चलो ये करते हैं इसकी कोशिश, कहाँ तक चढ़ा जाता है रस्सा भाई, क्योंकि पहले कभी भी नहीं चढ़ा भाई, कभी भी नहीं, लाइक फर्स्ट टाइम है। इसके बारे में मजाक में ज़रूर किया है बट एक दो बार, बट सीरियसली कभी नहीं, आज देखते हैं करके।
भाई चढ़ गया मैं वहाँ तक, बट मेरे हाथ में लगी ये उंगली में फ्रैक्चर हुआ, पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि अगर उनसे नीचे है ना जब ग्रिप होना, सो अब ये पेन हो रही है इसमें। तो चलो आज के लिए बहुत, इतना वर्कआउट, 1 घंटा हो चुका है फिलहाल, अभी सीधा चलते हैं भाई घर, शेकर उठाते हैं अपना। चलो भाई यहीं से जाएंगे सीधा भाई, इसी रास्ते से जिससे आए थे, और हवा आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा है अभी भी। मन तो कर रहा है यहाँ पे ट्यूबवेल हमारी यहाँ पे नहा लो, बट बीमार हो जाऊँगा तो ये 40 दिन का तहस नहस हो जाएगा पूरा। अभी सीधा घर चलते हैं भाई, गन्ना लेते हैं यहाँ से, क्योंकि मीठा खाने का मन करता है घर पे जाके, तो इट्स अ बेटर चॉइस, ये वाला सही है, ये तोड़ते हैं। लो भाई गन्ना ले लिया, और इस चैलेंज के बारे में बता दूं भाई, आज मेरा 40 डे ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज का डे 13 कंप्लीट हो चुका है। और ये चैलेंज ऐसा नहीं है 75 हार्ड की तरह कि मैंने डाइट पे मीठा नहीं खाना, बुक पढ़नी है, पानी वगैरह, ये कुछ भी नहीं है। ये जस्ट मैंने स्टार्ट किया था क्योंकि दिवाली के बाद इतनी मिठाई खा ली थी, मेरे को खुद से खुंदक हुई भाई, इतना पेट आ गया और बॉडी का स्ट्रक्चर बिल्कुल ख़राब हो गया, वो भी सिर्फ 12-13 दिनों में, वेट 4 किलो। सो अभी मीठा खाने का मन कर रहा था, कभी कभी थोड़ा सा खा लेता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है अगर ये चीज़ ना छोड़ी तो जितना मर्जी वर्कआउट कर लूँ इम्पॉसिबल है ये चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन। सो मेरे को खुद को पता है और ख़ुद मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं नहीं बोलता खाओ भाई, क्योंकि मैं खुद भी कंट्रोल करता हूँ, मैंने नहीं खाया, हालांकि ये चीज़ खा रहा हूँ गन्ना अभी, ये भी पहली बार 13 दिनों में, बट मेरे को पता है जहाँ तक मेरे को लगता है कि इसका इतना ज़्यादा नुकसान है नहीं, क्योंकि नेचुरल ही है, नेचुरल है पूरा। सो ये खाते हैं, सबसे पहले घर चलते हैं, उसके बाद जाके नहाएंगे, फिर खाना खाएंगे भाई। और आज अपना हो चुका है 13वां दिन कंप्लीट भाई। ये देख रहे हो यहाँ पे रास्ते में इतने बड़े बड़े सांप भी है भाई, ये सांप के ऊपर जो कवर होता है वो देखो निकाली पड़ी है यहाँ पे इस रास्ते में भाई, वो पीछे से आ रहा हूँ मैं, मेरी भी अभी दिखा ध्यान पड़ा इस पर। खेतों के गांव के रास्ते तो भाई ऐसे ही होते हैं, सब अपना गन्ना चल रहा है मस्त, और सामने मेरा गाँव टंकी है जो वो रहा सामने, थोड़ी ही दूर है लाइक फिलहाल। लो भाई अपने घर वाले भी घर आ चुके हैं और हम नहा भी लिए हैं, सो अभी जस्ट पीते हैं प्रोटीन, उसके बाद खाना खाएंगे, मम्मी सो गई और खुद ही बना के लाइक फ्रिज में चावल पड़े हैं, उनको तड़का लगा के अच्छे से घी से वो खा लेंगे, अगर सब्जी हुई तो सब्जी के साथ खा लेंगे। सो फिलहाल सबसे पहले प्रोटीन पीते हैं अपना। सो गाइस अभी भाई खुद ही खाना बनाते हैं, प्याज डाल दिए गले में और चावल पड़े हैं और चने पड़े हैं जो हुए ये बनाएंगे। तो भाई इसमें चने डाल दिए नहीं, चलो भाई इसमें अब डालते हैं चावल, मेक इजियर एंड हेल्दीस्ट डाइट इन मिनट्स भाई, चावल ना भी हो बस चने रख दो, पका के रख दो भाई, चने बना लो ऐसे, हेल्दी भी है, इजी भी है, टेस्टी भी है। ये हो चुका है रेडी, अब डाल दे इसमें भाई ये, चलो धनिया भी चला गया इसमें, मिक्स कर देते हैं। ये लो भाई अपना खाना आ चुका है, दही भी ले आया साथ में, और देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, टेस्ट बताता हूँ रुको आपको, इसका टेस्ट देखते हैं भाई, नंबर 1 भाई, बहुत अच्छा टेस्ट है जेन्युइनली कसम से। लेट्स गो भाई अभी चलते हैं जोर को घुमाने, कपड़े पहन लिए पूरे, की सर्दी है बाहर, नीचे भी लोअर पहन लिया, सो चलो जोरू घुमाने चलते हैं भाई। सो गाइस फाइनली भाई जोरू घुमाने आ चुका हूँ, इस अपने मेन रोड है हमारे गांव उसकी तरफ, वहाँ पे आऊँ, और पीछे भी देखो बाइक आ रही है, लोग शाम को घूमने आते हैं, और आज ना भाई बिल्कुल भी 1% भी धूप नहीं आई हमारे गाँव में, बिल्कुल भी धूप नहीं आई भाई हमारे गाँव में, सॉरी भाई कहीं भी नहीं आई, क्योंकि बादल ही बादल है, सुबह से बिल्कुल थोड़ा सा सूरज दिखा, उसके बाद दिखा ही नहीं भाई, अभी देख लो बादल है, और पटाखे दिवाली वाले अभी तक चली जा रहे हैं भाई। सो चलो फिलहाल इसको घुमा के चलते हैं सीधा घर, और आज का अपना वर्कआउट हमने कर लिया था सुबह भाई, और ब्लॉग स्टार्ट लाइक ब्लॉग स्टार्ट ही वर्कआउट से किया था। सो घर जाके चलते हैं, थोड़ा टाइम रेस्ट करके खाना डाल के, खाना खा के आराम से सो जाएंगे भाई, ब्लॉग एडिट करके अपलोड करके, चलो घर जाके मिलते हैं आपको।
चलो गाइस घर पहुंच चुका हूं मैं और अब खाते हैं खाना। खाने में आज पनीर की सब्जी बनी है भाई, पता नहीं कैसे बन गई है अभी। मैं तबे पनीर बन जाता है मेरे घर में इजीली, बट आज काफ़ी दिनों बाद बनी है इसलिए बोला पता नहीं कैसे बन गई। सो चलो खाना खाते हैं और आज का ब्लॉग करते हैं पे खत्म। मिलेंगे कल फिर नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच अपने कीमती समय देने के लिए। खुश रहो, वाद रहो, आजाद रहो। बाय।